कैसे हैं आप सब। और जय राम जी की। आज आए हैं हम कहाँ पे, ये देखो कौन है मेरे साथ। ये कौन है बताओ, ये कौन है? यशु। ये है यशु। ये मेरी बिटिया है, सिस्टर की बेटी, छोटी सी गुड़िया रानी। और मैं आई हूँ मम्मी के घर पे। तो कल आए थे हम लोग यहाँ पे, लेकिन मैंने कोई व्लॉग शुरू नहीं किया था। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी मिलवाऊँ। और ये सामान ऊपर रखा हुआ है क्योंकि हम लोग अभी 15 डेज हुए हैं इधर शिफ्ट हुए हैं। और ये सामान सारा भाई के ऑफिस का है, जिसको शिफ्ट नहीं किया है कहीं भी, तो इसको यहीं रखा है। और ये देखो, ये सोच रही है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, काफ़ी सोच में डूबी हुई है। और खाना बन गया था, खाने में क्या बनाया बताती हूँ आपको। डेट बता दूँ पहले तो, आज डेट है शायद, डेट का कंफर्म नहीं है, वैसे सैटरडे है। और हमने बनाई है कढ़ी। यशु क्या बनाया आज, ये देखो मेरे साथ प्लेट उठवा रही है। कढ़ी बनाई है पकौड़ी डाल के। और नैनी के पापा गए हुए हैं, सामान जो हमारा हमने किसी गाड़ी में रखा था वो कहीं पहुंच गया था, वहां से वो सामान लेने गए हैं। फिर वो सामान उन्होंने दूसरी बस में रख दिया है और अब हम घर के लिए निकलेंगे। और ये सोच में डूबी हुई है कि क्या हो रहा है। ये एक रूम है ये, और शिवांश और नैनी भी रेडी हो चुके हैं, अभी हम कहीं जाने वाले हैं। और शिवांश किंडर जॉय लेके आया था। ये अच्छू का टॉय गिर गया। और ये देखो भाई के ऑफिस का बैनर है, ये झंडू.com से अपनी वेबसाइट है, आप लोग देखना, योर कैरियर असिस्टेंट नैनी शो नहीं। तो ये है भाई का, मतलब ऑफिस जो है उसका बैनर लगा रखा है, लेकिन बाहर सेट नहीं किया, अभी नए शिफ्ट हुए हैं, करना है, धीरे धीरे होगा ना सब। तो ये है मेरी छोटी बहन, और ये बहन की राज दुलारी है हमारी छोटी सी गुड़िया रानी। और मम्मी कहाँ है? ये है मेरी माता श्री, मम्मी मैंने आपको पहले भी दिखाया था वैसे, मम्मी की फोटो से कम्युनिटी में पोस्ट की थी मैंने। और खाना हम लोगों का, कुछ लोगों का हो चुका है, ब्रेकफास्ट हो गया था, और बाकी अब खाएंगे वहाँ जाके जहाँ जा रहे हैं, मासी के घर जा रही हूँ, इधर मासी भी रहती है मेरी। और ये है दूसरी सिस्टर, हाय करो। और ये तो आप जानते हो मेरी बिटिया, कपड़े वगैरह हमने ऐसे ही सेट कर रखे हैं, पूरा मैसी हो रखा है घर, क्या बताऊँ। इधर हम लोगों का ये देखो, आप लोगों को पता है जब बेटियाँ मायके आती हैं तो सब कुछ पहले बिखेरती हैं फिर समेटती हैं, ठीक है? तो हमने बिखेर रखा है, अभी समेटने का टाइम हुआ नहीं है। तो चलिए यशु बाय कर दो, अपन चलते हैं, अब थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। यशु बाय करो, चलिए ठीक है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हाँ पर पहुंच गए हैं मौसी के घर में, और यहाँ लगा रखी हैं सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, मतलब समझिए चारों तरफ सब्जियों के ही खेत हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितनी फ्रेश सब्जी है ताजे पानी की। और ये है एंट्रेंस मौसी के घर का, और हम लोग कर रहे हैं अभी एंटर, देखते हैं अंदर कौन कौन है। ये है मासी का घर, हम आ गए यहाँ पे। और मेरा फेस कुछ ज्यादा ही शाइन कर रहा है क्योंकि मैंने कोल्ड क्रीम लगा रखी है मेरी लैक्मे की क्रीम लगाई थी सनस्क्रीन।
सनस्क्रीन लगाया था जो कि मैं लगाती नहीं, मुझे कोल्ड क्रीम की जैसी फीलिंग आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने कोल्ड क्रीम लगा रखी है, मुझे कुछ मिला नहीं है एक्स्ट्रा, मैं लेके नहीं आई मेरा। ठीक है अब मम्मी से मिलाते हैं। है माँ है कि वो लोग तो हैं नहीं जिनका घर है, हम लोग इनके घर पे आ गए हैं, अब वो कहीं भी रहे हम यहाँ हैं। ठीक है तो ये देखिए ये है मंदिर। तो मैं आज आप लोगों से मिलाने जा रही हूँ मेरी फैमिली के बहुत ही क्या बोलते हैं ना कॉमेडी टाइप के इंसान से, और ये है मेरे मौसा जी, इनकी हर बात में कॉमेडी होती है। धन्यवाद है? धन्यवाद धन्यवाद। पहले के टाइम में जब हम बैठते थे ना तो पता नहीं चलता था रात कब निकल जाती थी, मौसा जी इतने मजाक करते थे, सब लोग एक साथ बैठते थे। आपको वीडियो पसंद आए तो घंटी बजाना ना लाइक करना। और ये है ये श्रीमती श्री श्री 108 श्री मौसा जी की धर्मपत्नी कांता देवी। कांता देवी ये मेरी माँ, वैसे तो मौसी बोलते हैं सब लोग लेकिन हम लोग माँ बोलते हैं, जैसे मम्मी से बड़ी है ना इसलिए माँ बोलते हैं हमारे, और माँ सबसे प्यारा शब्द होता है। या वीडियो माँ की देख लो करे ये वीडियो में आने की है ना सबसे इंटरेस्टिंग। तो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है बाय कर दो। बाय बाय टाटा। यू क्या करे हो गाय? तो पड़ा गया। ओहो ये गाय देखो गाजर खाती है यहाँ पे, हम लोगों के यहाँ पे गाय भी गाजर खाती है। ये रखा है गाय का चारा, अन कटवा लियो भाई। ये गाय गाजर खाती है। एम के पालक, इसमें पालक, उसमें बैंगन, इसमें लहसुन, उसमें मेथी। लहसुन मारा बोए तो लेकिन उम काटना पड़ी अभी पड़ेंगे। ये बादाम ही ना पड़ी, ये आलू एक बार का पैड दिया, ये दोबारा बोया ही। अच्छा दोबारा बोए एक बार का पैड पूरी दिया हमने। वो मटर, मटर तो मार का नहीं पूरा खेत का खेत वो रखे जीव के। मटर की खेती अच्छी ना हो, एक कवर लागे फिर दोबारा ना लागे। ये मेथी उरा ने, हां ये मेथी कसूरी मेथी। उरा ने राई, हां ये मूली। वो की है थाक ने पाडी है। हां अच्छा ना मैंने सोची नहीं खेड़ा पाड़ी है अपने गाय शहर गाय के बच्चों कालो के इधर ये फोटो खचवा का मैं खड़े हो गए बड़ी टॉप किया। ये वाली क्लिप हम लोग घर आ गए थे, घर आने के बाद में माइके मतलब माइके से ससुराल आ गई थी उसके बाद में मैंने शूट की थी, क्योंकि हम शाम को पहुंचे थे और उसके एक डेढ़ घंटे बाद में ये सामान आया था हमारा जो नैनी के पापा ने उधर से गाड़ी में रखा था। तो देखिए पूरे रास्ते सामान सेफ आ गया, लेकिन यहाँ आके वो इन्वर्टर की बैटरी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी करीब तकरीबन 20-30 किलोमीटर पहले, जिसकी वजह से ये सारे कपड़े झुलस गए हैं और बाकी जो कार्टून के अंदर थे वो तो इतने चिपक चुके थे आपस में कि निकालना पॉसिबल नहीं था उसमें से। तो मैं ये तो थोड़े से मैंने निकाले थे आप लोगों को दिखाने के लिए, इतना बड़ा नुकसान हो गया। सारे नए कपड़े जितने भी थे ज़्यादातर सारे ख़राब हो चुके हैं, और ये वाला तो मैंने सिर्फ एक वीडियो शूट करने के लिए ही पहना था। अब क्या कर सकते हैं, हो गया जो लिखा था किस्मत में। और बच्चों के भी गर्मियों के सारे कपड़े ख़त्म हो चुके हैं, अब नए लाने पड़ेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से विद इन ए न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक बटन प्रेस करके जाना, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।